दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है हरियाणा क्लर्क का 22 सितंबर 2019 में, यानी कि आज की डेट में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, उन्हीं के क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था एयरो इंडिया 2019 अंतर्राष्ट्रीय एयरो स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया। तो एयरो इंडिया 2019 अंतर्राष्ट्रीय एयरो स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण बेंगलुरु शहर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्विचिंग तकनीक में दो नोड के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक जुड़ाव स्थापित किया जाता है। परिपथ स्विचिंग से दो नोड के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक जुड़ाव स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाइकमैन संघनन अभिक्रिया मैकेनिज्म द्वारा नियंत्रित होती है। तो डाइकमैन संघनन अभिक्रिया मैकेनिज्म द्वारा कार्बिन नियंत्रित होती है। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था 7, 26, 63, 24, 215, 342 और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर संख्या आएगी 511। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। 1966 में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था हरियाणा में पंचायती राज की निमंत्रण इकाई क्या है। तो हरियाणा में पंचायती राज की निमंत्रण इकाई है ग्राम पंचायत। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था पुतलिंजर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता संगीत और संगीत रचना के लिए ये पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सीरियल पोर्ट आंकड़े को एक समय पर विट क्रम में स्थानांतरित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है, यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप लोग। 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर हमको नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंडित नेकी राम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया। तो पंडित नेकी राम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के रोहतक क्षेत्र में केंद्रित किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था। तो योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म महेंद्रगढ़ क्षेत्र में हुआ था। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि योग गुरु बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नासा ने हाल ही में मानव रहित परमाणु संचालित ड्रोन ड्रैगन फ्लाई प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। नासा ने हाल ही में मानव रहित परमाणु संचालित ड्रोन ड्रैगन फ्लाई प्रक्षेपित करने की योजना बनाई। इस परियोजना का उद्देश्य शनि के चंद्रमा टाइटन पर सूक्ष्म जीवों के जीवन के संकेतों की खोज करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित जगह है। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित जगह है हिसार। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन वायु रेट टेस्ट में डॉट 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 घोल के साथ प्रोटीन के क्षारीय घोल का शोधन किया जाता है। तो वायु रेट टेस्ट में CaSO4 घोल के साथ प्रोटीन के क्षारीय घोल का शोधन किया जाता है। चौदहवां क्वेश्चन पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान में ही यमुना नदी से निकाली गई है। तो पश्चिमी यमुना नहर ताजे बालों से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय ये पंचकूला में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान को देहरादून में स्थापित किया गया था? 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान को देहरादून में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास गरीबों पर औद्योगिकरण के प्रभाव की जानकारी देता है? ये मैंने गूगल में काफी सर्च किया लेकिन इसका आंसर नहीं मिल पाया हमको, और यदि आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, एकल फ्लॉपी डिस्क नियंत्रक बोर्ड डॉट 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 रिबन केबल को सहायता देता है। तो एकल फ्लॉपी डिस्क नियंत्रक बोर्ड डॉट डॉट रिबन केबल को 33 तार सहायता देता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, वाइट टू तक करेक्टर भंडारित कर सकता है, तो वाइट 4000 बाइट तक करेक्टर भंडारित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? हरियाणा से राज्यसभा के कुल 5 सदस्य भेजे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लाहौर में उच्च न्यायालय वर्ग में स्थापित किया गया है, तो लाहौर में उच्च न्यायालय वर्ग डॉट 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 ये स्थापित किया गया है 1919 में। अगला क्वेश्चन, 2018 में विश्व में लोकतंत्र की स्थिति किस संस्था द्वारा जारी की गई है? 2018 में विश्व में लोकतंत्र की स्थिति अर्थशास्त्री गुप्तचर इकाई संस्था के द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भिंडावास वन जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो भिंडावास वन जीव अभयारण्य झरझर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा राज्य में कुल 22 जिलों की संख्या है। 26 क्वेश्चन पूछा गया था, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनीपत नगर साइकिल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनलों की श्रेणी में नहीं है? ध्वनि बैंड संप्रेषण चैनलों की श्रेणी में नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का भारत के स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया, किसने हासिल किया है? ये हरियाणा में ये इंदौर ने हासिल किया है 2019 का भारत स्वच्छ शहर का खिताब। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूएसए के किस राष्ट्रपति ने कहा था कि अधिक गेहूं बोए गेहूं युद्ध जीत जाएगा? तो यूएस के राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था, अधिक गेहूं बोए गेहूं युद्ध जीत जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वप्रथम किस नगर का प्राचीन नाम है? सफीदो नगर का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उपरोक्त अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उपरोक्त अभिक्रिया को इटाई अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी? तो भारत सरकार ने 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है? तो राष्ट्रीय राजधानी के 80 किलोमीटर में हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के किस नेता ने संविधान के उपायों के अधिकारों को भारत संविधान का हृदय और आत्मा माना है? संविधान सभा के नेता डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने संविधान के उपायों के अधिकारों को भारत संविधान का हृदय और आत्मा माना है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, यदि पक्षी मछली तो हवाई जहाज किससे संबंधित होगा? तो ये होगा पनडुब्बी, सॉरी बताने का जो ढंग था गलत था, पक्षी मछली हवाई जहाज आ जाएगा पनडुब्बी। अगला क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया था? तो
तो गांधी शांति पुरस्कार 2018 से कुष्ठ रोग उन्मूलन में उनके योगदान के लिए जापान के योशेई ससकावा को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा नगर पालिका निगम पानीपत अंबाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर स्थित है? तो प्रतापगढ़ फार्म झरझर जिले में स्थित है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आने वाला कल के बाद का दिन शनिवार है तो बीते हुए कल के दिन से 3 दिन पहले क्या था? तो 3 दिन पहले था शनिवार। 41 क्वेश्चन, भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया था? तो भारत का वह राज्य था केरल जहां पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, नाटक निर्देशक समाचार पत्र, तो नाटक का निर्देशक संबंध होगा, तो समाचार का किसे संबंध होगा? संपादक से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है? तो फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल ये कैथल में स्थित है। यह आपका हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है, तो उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है उड़ना। अच्छा याद कर लीजिए उड़ना। 45 क्वेश्चन आपका हिंदी का ये पूछा गया था, अपने आप यह काम सीख लूंगा इस वाक्य में निज वाचक सर्वनाम है। अपने आप में यह काम सीख लूंगा इस वाक्य में निज वाचक सर्वनाम है आप। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन 4 दिए गए थे, उसमें ऑप्शन आपका जो था गलत वो था पग, ये पर्यायवाची शब्द तरु का नहीं था, पग हो जाएगा। 19, इस शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग है, तो 19 में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग क्या होगा? 19 उतनीस, जैसे कि आप 19 लिखते हैं तो उतनीस, मैंने आपको बताया था उपसर्ग को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है स्टार्टिंग का पहला शब्द, ठीक है, इसके बाद जो लास्ट में बचता है वो आपका प्रत्यय हो जाता है, ठीक है, तो 19 शब्द में आपका उत आंसर हो जाएगा। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय में गुण संधि होगी। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, कैलेंडर तिथि, तो शब्दकोश आएगा शब्द भंडार से, ओके। 50वां क्वेश्चन था, पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं वह है, तो पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं वह है वाक्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए, पक्षी, माता, सुगंध, कुर्सी, तो पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा पक्षी, ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, किस शब्द में वृद्धि संधि है? यद्यपि, रमेश, अन्वेषण, सदैव, तो देखिए वृद्धि संधि होगी आपकी सदैव में। 53वां क्वेश्चन था, हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो हरियाणा में हिसार शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की अनुसूची में है। तो हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की 7वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है? तो हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है चट्टानी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ह्यन सॉन्ग के शासनकाल के दौरान कौन भारत आया था? तो ह्यन सॉन्ग के शासनकाल के दौरान हर्षवर्धन भारत आया था। भैंस की सबसे अधिक अवधि कहाँ पाई जाती है?
तो भैंस की सबसे अधिक अवधि नहीं होगा, ये आपकी होगा आबादी, ठीक है? ये होगा भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? तो भैंस की सबसे अधिक आबादी जीवानी में पाई जाती है, याद कर लीजिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो भारत में चार ऑप्शन दिए थे, जिसमें आपका जो आंसर था वो था जौ, जो कि रबी की फसल है। जौ, जो आपकी रबी की फसल है। 61 क्वेश्चन पूछा गया था, 1937 में हरियाणा के किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया है? 1937 में हरियाणा के भिवानी में पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन था, छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो छोटे शहरों का प्रशासन नगर पालिका के द्वारा चलाया जाता है। 63 क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा की वाणिज्य की फसल कौन सी है? तो हरियाणा की वाणिज्य की फसल है कपास। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा में स्वर्ण नगरी है, तो हरियाणा में स्वर्ण नगरी कहते हैं सोनीपत। सोनीपत में, हरियाणा की स्वर्ण नगरी सोनीपत में, याद कर लीजिए। इसका हमको आंसर नहीं मिल पाया है, काफी मैंने सर्च किया गूगल पर लेकिन आंसर नहीं मिल पाया हमको। यदि आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर देना आंसर। हरियाणा में बेनटेन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है, यह कहाँ पर है? तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। 66 क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में भारत का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में भारत का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है लद्दाख। तो जिन बच्चों ने लद्दाख चूज किया होगा उनका आंसर सही हो गया होगा। ओके, 67 क्वेश्चन है, शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन था, अकबर किसका पुत्र था? तो अकबर ये हुमायूं का पुत्र था। किसका पुत्र था? हुमायूं का। तो दोस्तों ये थे हरियाणा क्लर्क के आज की डेट में फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।